हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। अभी आप देख रहे हैं धुन म्यूजिक। तो सबसे बड़ी खबर ये बता दूं कि पावर स्टार पवन सिंह और ज्योति सिंह का तलाक का मैटर जोरों शोरों से कोर्ट में चल रहा है, मीडिया में भी चल रहा है, आम लोगों के बीच में ही चल रहा है। सबसे बड़ा सवाल ये था कि सब लोगों ने आज तक ज्योति सिंह का पक्ष सुन लिया था, लेकिन पावर स्टार पवन सिंह का कभी भी पक्ष मीडिया के सामने नहीं आया, मतलब पब्लिकली नहीं आया। अब महिला विकास मंच का सहायता लेने के लिए ज्योति सिंह गई थी, ज्योति सिंह ने गुहार लगाया, महिला विकास मंच ने ज्योति सिंह से पक्ष लिया और अक्षरा सिंह से भी राय लिया। अब पावर स्टार पवन सिंह का भी तो पक्ष लेना जरूरी बनता है ना भाई साहब। तो महिला मंच, विकास मंच के जितने भी अधिकारी दो लोग थे, वो लोग गए मुंबई और पावर स्टार पवन सिंह के घर पर रुके और उनसे बात की, उनसे राय लिया, उनके बारे में सुना। सबसे शॉकिंग वाली न्यूज ये है कि महिला विकास मंच ने कहा कि पावर स्टार पवन सिंह के दिल में इतनी दर्द है, इतनी दर्द है कि एक साल वो कहानी अपने सुना सकते हैं। सोचिए कितना बड़ा दर्द है। ऐसा नहीं है कि महिला विकास मंच अब पवन सिंह का फेवर करने लगे, ऐसा नहीं। महिला विकास मंच के अधिकारी ने इससे पहले कितना भी इंटरव्यू में पावर स्टार पवन सिंह के बारे में उल्टा पुल्टा बोला है, क्योंकि वो उनके बारे में वो नहीं जानते थे, उनका पक्ष उनको अभी तक नहीं मिला था। लेकिन पवन सिंह ने निजी तौर पे जब उनको सबूत दिखाया, जैसा कि वो बता रही हैं महिला विकास मंच के लोग, जब उन्होंने सबूत देखा, उनसे बातें जानी, उनकी पक्ष सुना, उनका राय सुना, तो उनका भी नज़रिया चेंज हो गया। क्योंकि महिला विकास मंच की जितनी भी महिला अधिकारी गई थी, वो कह रही हैं और वो बता भी रही हैं, जैसा कि सब लोगों से बता रही हैं, कि पावर स्टार पवन सिंह जी बिल्कुल डाउन टू अर्थ है। साथ में डिनर किया, जमीन पे बैठना, जमीन पे सोना, मतलब एक नेचुरल जो आदमी का एक आमतौर का निजी जिंदगी में आदमी का दिनचर्या होता वैसा है। और पावर स्टार पवन सिंह के बदले में जो अनाप शनाप मीडिया हो या फिर आमतौर पर कहा जाए उनकी पत्नी के द्वारा जैसा बताया गया है, बिल्कुल भी वैसा नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि पवन सिंह ने कहा कि जब कोर्ट में हमारी बात चली ही गई है तो फिर वो हमारी पत्नी का दर्जा देने वाली बात नहीं रही, क्योंकि अगर वो बात हम तक होता तो बिल्कुल हमारी पत्नी है, अभी तक डिवोर्स नहीं हुआ है, हम पत्नी मानते। लेकिन अब हम कोर्ट की तरफ से आएंगे, कोर्ट के फैसले के रूप में आएंगे और कोर्ट जो फैसला करेगी उस बात को हम मानेंगे। मतलब कहा जाए तो औपचारिकता का जितना भी दरवाजा था वो बंद है फिलहाल, अब जो होगा कोर्ट का फैसला सो होगा। महिला विकास मंच के अधिकारी ने यह भी बताया कि पवन सिंह के साथ सही में गलत हुआ है। अगर कोई इंसान के साथ, कोई मर्द के साथ, किसी पति के साथ ऐसा होगा तो बिल्कुल उसे रखना नहीं चाहेगा। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सबूत दिखा है पावर स्टार पवन सिंह ने, और ये दोनों का, पवन सिंह जी का और महिला विकास मंच का मीटिंग जो था उनके दोस्त दीपक सिंह ने करवाया है। और काफ़ी दिन से महिला विकास मंच का बात चल रहा था कि उनको, उनसे कुछ समय मिले, मोहलत मिले और बैठ के उनका भी पक्ष जाना जाए, क्योंकि एक तरफा पक्ष जानकर मतलब आप फैसला नहीं सुना सकते। तो निर्णय अभी भी बाकी है। हाँ, ये जरूर खुलासा हुआ है कि पवन सिंह ने खुले तौर पे ये भी कहा कि अब जो होगा हम कोर्ट के रूप से आएंगे, मतलब साफ तौर पर उन्होंने कह दिया है कि अब जो फैसला होगा कोर्ट के थ्रू होगा। अब महिला विकास मंच के जितने भी अधिकारी हैं वो पीछे हो गए हैं केस से, मतलब डायरेक्ट तौर पे कहा जाए तो अब उनका इन्वॉल्वमेंट खत्म हो गया, क्योंकि उन लोग पूरा पक्ष जाने बगैर किसी के बात पे आकर के वे नहीं जबरन या फिर जबरदस्ती या फिर अपना फैसला नहीं थोपते, क्योंकि दोनों पक्ष जानना बहुत ज़रूरी है। ज्योति सिंह का उन्होंने पक्ष सुना, अब पवन सिंह का भी उन्होंने पक्ष सुना और पवन सिंह का पक्ष भारी पड़ गया। तो इस तरह का वीडियो देखने के लिए आप धुन म्यूजिक के साथ बने रहें और ढेर सारा प्यार दुलार देते रहिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए।